फ्रेंड्स, कभी आपने जैसे मार्केट जो बाजार लगते हैं या पटरी से कभी कुछ सामान खरीदा है? तो दोस्तों, जब भी आप कभी पटरी पर सामान खरीदने जाते हैं और कोई सामान हम देख लेते हैं एक बार, तो वो हमारे पीछे पड़ जाता है कि भैया ले लो इतने का लगा दूँगा, इतने का दे दूँगा। तो वो मतलब कि कस्टमर के पीछे पड़ जाता है और उसे छोड़ता नहीं है जब तक कि वो सामान खरीद न ले। तो दोस्तों, ऐसे ही आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पे जब जैसे कभी ऐड जो आते रहते हैं बीच बीच में, उसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। क्योंकि दोस्तों, मान लीजिए हमने अमेजोन से कुछ सामान खरीदना होता है और फिर हम उसे सामान को मतलब देख दाख के अपने कार्ट में ऐड कर लेते हैं लेकिन उसे खरीदते नहीं हैं, तो वो अमेजोन हमारे पीछे पड़ जाता है उन पटरी वालों की तरह, और फिर हमें वो ऐड फेसबुक पे दिखाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं डाटा साइंस। तो दोस्तों, डाटा साइंस की वजह से वो सारा हमारा डाटा जो है ये फेसबुक को चला जाता है। जो भी जैसे अमेजोन और बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उनका डाटा जो है ये फेसबुक वालों के पास चला जाता है और फिर वो हमारे को ऐड दिखाना शुरू कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अमेजोन से कोई शूज़ पसंद किया और आपने उसे ख़रीदा नहीं, तो फिर वो आपके फेसबुक पे आपके सामने आना शुरू हो जाएगा बार बार, या कोई मोबाइल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐड कैसे आप हटा सकते हैं फेसबुक से। अनवांटेड ऐड जो होते हैं ये, इसको हटाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने फेसबुक एप्लीकेशन पर। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अभी चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। अभी दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये एड्स हैं, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे थे। देखिए, ये इस तरीके के एड्स आपको फेसबुक में बार बार शो होते हैं। देखिए, यहाँ पर ये एक और ऐड आ चुका है और ये एक ऐड ये आ चुका है दोस्तों। तो ये इस तरीके के एड्स आपको बार बार बीच में शो होते हैं। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है कि फेसबुक जो है हमारा डाटा अलग अलग ऐप्स में से उठा लेता है और फिर वो वहाँ पर हमें उससे रिलेटेड एड्स दिखाना शुरू कर देता है, जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम अभी कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। या कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों, कि हम जैसे किसी चीज़ के बारे में अगर सर्च करते हैं गूगल पे, तो फिर वो वाले ऐड भी हमारे सामने शो होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसको कैसे हम बंद करेंगे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो अभी दोस्तों, चलते हैं हम अपने फेसबुक पर। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए, अब हम अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से हमारा फेसबुक ये ओपन हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए A23 रम्मी का ऐड आ चुका है। ऐसे बहुत सारे एड्स बीच बीच में हमारे को शो होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग पर। तो दोस्तों, सेटिंग पर जाने के लिए ये देखिए, यहाँ पर ये प्रोफाइल का लोगो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये सेटिंग पे चले जाएंगे दोस्तों। अब ये दोस्तों, यहाँ से हम सेटिंग पे आ चुके हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। तो यहाँ से ऑफ फेसबुक एक्टिविटी पे हम क्लियर आ जाएंगे, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी पे हम आ जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, देखिए यहाँ पर ट्रू कॉलर, जियो सिनेमा, एयरटेल थैंक्स, ये सारे ऐप्स भी यहाँ पर जो है हमारे ऐड जो मतलब हमारा डाटा है वो फेसबुक को दे देते हैं, जिससे कि वो हमें ऐड दिखाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है, व्हाट इज फेसबुक एक्टिविटी और हाउ डिड फेसबुक रिसीव योर एक्टिविटी। तो ये सारी एक्टिविटी हमारी फेसबुक रिसीव करता रहता है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं चाहे तो। अब दोस्तों, हमें करना क्या होगा, अब यहाँ से हमें दोस्तों इसको करना पड़ेगा क्लियर हिस्ट्री। तो यहाँ से ये हमारी जो पूरी जो भी हमारी एक्टिविटी की हिस्ट्री थी वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, अभी यहाँ से हम क्लियर हिस्ट्री कर देते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर ये क्लियर हिस्ट्री का ऑप्शन आ गया, इसको क्लियर कर देंगे हम। अब दोस्तों, यहाँ से जैसे ही हम क्लियर करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारे ऐप्स शो हो रहे थे वो सारे ऐप्स यहाँ से हट चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पर लिखा हुआ डिसकनेक्ट फ्यूचर एक्टिविटी, तो यहाँ पर भी आप चाहे तो इसे डिसकनेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर एक्टिविटी को। तो आगे जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, देखिए फ्यूचर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, तो यहाँ पर जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो आपको मतलब फेसबुक को पता नहीं चलेगा और फिर वो आपके सामने ऐड नहीं दिखाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक्टिविटी यू हैव टर्नड ऑफ, ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि जो भी एक्टिविटी हमने टर्नड ऑफ करी है वो हम देख सकते हैं कौन कौन सी वेबसाइट से हमारी एक्टिविटी जो है टर्न ऑफ हुई है। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे,
अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारे से पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल देंगे अपना और फिर उसके बाद आपको वो सब शो होना शुरू हो जाएगा जो भी एक्टिविटी आपने टर्न ऑफ करी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फेसबुक के ऐड हटा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।